हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आई गॉट सो मेनी मैसेजेस फॉर द वीडियोस गाइस, बट अनफॉर्चुनेटली माफ कीजिएगा, मेरी कंडीशन इस तरीके की नहीं थी एंड नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं बिकॉज ऑफ माई बैक पेन एंड द कंडीशन राइट नाउ आई कैनॉट इवन सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, बट एज सुन एज आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, अभी भी मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत लोगों को चाहिए इसीलिए। सो चलो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। वीकली एनालिसिस वीडियो, हाउ द मार्केट शुड बिहेव। एंड जैसा कि मैंने अनाउंस किया था, फिबोनाची पार्ट 6 इज आउट नाउ। 7 and 8 तो चलो आएगा जब आएगा, बट 6 इज आउट इन द सेंस आई ऑलरेडी स्टार्टेड using it, has been a week that I'm been using it, और उसके result बहुत amazing आ रहे हैं। Reason being, Hi-Fi के अंदर तो आपको 1:5 का risk and reward मिलता था, Fibonacci part 6 के अंदर you get risk and reward of 1:5, 1:10, 1:15, 1:20. The sky is the limit guys, sky is the limit. Like for example, if I show you on my screen right now, this particular screen 1:25 का risk and reward मिला है इसके अंदर। जो सेटअप बना है और ये सेटअप बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आई एम टेस्टिंग इट फॉर अ मंथ, एक वीक ऑलरेडी हो चुका है और मैं और इसको और फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहूंगा मार्केट के अंदर, उसके बाद में इट विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। बट मैं ये सब अकेला नहीं करने वाला हूँ, इन सेंस आई एम गोइंग टू गिव अवे दिस स्ट्रैटेजी वर्थ मिलियन टू फ्यू फॉलोअर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, इन द एंड आई विल टेल यू व्हाट एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट एंड गेट इट डन। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वो लोग भी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट करें और मुझे अपना फीडबैक दे के किस तरीके से ये काम करिए, ताकि हम इसके अंदर का कोई चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर सकते हैं और इसको बेटर एंड इम्प्रूव वर्जन बना सकते हैं। चलो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करे। वीकली एनालिसिस और वीकली कैंडल देखेंगे। यहां पर अगर मैं वीकली कैंडलस्टिक देखूं तो गाइस यहां पर निफ्टी की वीकली कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, और यहां पर ग्रीन कैंडल देखें तो दिस इज अ बुलिश पैटर्न जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। गाइस अगर आप इसको जैसे हिंदी में बोलते हैं ना संधि विच्छेद करना, और इन कैंडल्स को तोड़कर देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखाई देगा ये एक हैमर कैंडल बना था जो एक रिवर्सल कैंडल थी, मैंने लास्ट वीक भी आपसे बात किया था। और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आना जो कि आई है, इट्स अ बुलिश साइन एंड मार्केट एज सून इज ब्रेकिंग अ हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल विच इज 22,600, मार्केट इज कैन स्काई रॉकेट। और आपको एक नया हाई तो मिल ही जाएगा, मार्केट काफी तेजी से लीड करेगा। और इस बार जो लीड करने वाला होगा वो होगा बैंक निफ्टी, नॉट निफ्टी दैट मच फॉर श्योर, उसका आपको ख्याल रखना है। बैंक निफ्टी की अगर हम चर्चा करें तो सिमिलर फॉर्मेशन आपको यहां पर भी होती हुई दिखाई दी है, हैमर के बाद में एक और कैंडल, दिस इज ऑल्सो बुलिश हरामी, सो नॉट बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसका हाई टूटने के बाद विच इज 47,874, 75, एक इस बार बी रेडी। अगर ये लेवल टूटता है इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलती है आपको, डेली की भी मिल जाती है ना, वीकली तो मिलती है तो फिर चार चांद है, लेकिन अगर 47,763 के ऊपर क्लोजिंग आती है मार्केट इज डेफिनेटली, रुकने की कोई बात ही नहीं है, मार्केट डेफिनेटली इस लेवल को तोड़ रहा है 48,600 के लेवल को, और एक आपको ATH दिखा देगा अगर ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न इस बार टूटता है तो। ये तो रही बात गाइज आपके वीकली चैनल की, लेकिन डेली चैनल में बात करें क्या करें। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो गाइज ये जो कैंडल स्टिक बनी है दिस इज नॉट अ पॉजिटिव कैंडल। यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया था और ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर मैं आके देखूं सेलर ने ऊपर से थप्पड़ मारा है और मार्केट नीचे की तरफ आके बंद हुई है, इनफैक्ट 50% के भी नीचे बंद हुई है। In this particular case, this candlestick which is called as shooting star candlestick pattern, color of the candle doesn't matter, अगर ये लाल कलर में होती तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये डेफिनेटली एक बेरिश कैंडल है, एक नेगेटिव रिवर्सल कैंडल जरूर दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर ये पूरी की पूरी तरीके से आपको और एडमेंट दिखाई देगी और विजिबल दिखाई देगी। सेम सिचुएशन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरा भागे थे, और यहां से अगर मैं देखूं मार्केट ने 50% के नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब कैंडल पूरी भागी है। अगर 50% से मेरा क्या मतलब है, मार्केट ने पूरी रैली दी है ऊपर की तरफ और लेकिन सेलर्स ने ऊपर से इनको धक्का मार के 50% के नीचे क्लोज किया है, मतलब सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड दिस इज ऑल्सो अ बेरिश कैंडल जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल।
और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कैंडलस्टिक का ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा शूटिंग स्टार इज वन ऑफ द कैंडल जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेसिकली पावरफुल होती है। लेकिन ये सारे कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि डेड कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। डेड क्यों होते हैं? डेड क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक इनका हाई या लो नहीं टूटता तब तक ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो इनका हाई या लो बहुत मैटर करेगा। अगर मार्केट का हाई तोड़ता है जो कि 22516, तो ये कैंडल भाई अगले तीन कैंडल में अगर इसका हाई या लो नहीं टूटता तो समझो ये कैंडल रेडी है। बट एक अगर ये टूट जाता है 22163, तो मान के चलो भाई ये बेसिक ये एक और ये इसी स्विंग का लो टेस्ट करने आ सकता है 21700 के आसपास। ठीक है, वैसे भी 21500 तो इसको आना ही चाहिए, 21500 का टारगेट एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, बट और यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट जो वेव बना रही है वो ऐसे कुछ है, ये ऐसे करके आनी चाहिए, 0 A B C। ठीक है, आप उसको जैसे मर्जी मान लो। ठीक है, बट बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखो तो एक और रीजन उसका क्या है, अपनी आंखों से देखो और खुद पहचानो, फिबोनाची लगाओ कहां से इसने रेजिस्टेंस लिया है, एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट से, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया है, पॉजिटिव सिंग क्या है, इसने 0.50 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती तो पक्का बेरिश हो जाता। ठीक है, सो हमें क्या है, एनी क्लोजिंग बिलो 46,995, ठीक है, टू वेरी स्पेसिफिक 990 मान लो या 995 मान लो, इस रेंज के नीचे अगर कोई डेली क्लोजिंग आती है ना, इट्स अ कैंडिडेट ऑफ 46,700 एंड 46,400। ये दो टारगेट के लिए डेफिनेटली बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है और उसके बाद में ये लो भी टेस्ट कर सकती है। ठीक है, आप लोग सर मार्केट तो हाई जाने वाली है, आप तो कुछ और बोल रहे हो, एग्जेस निफ्टी तो बोल रही है गैप अप होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एग्जेस निफ्टी जो बोल रही है गैप अप होगा, मार्केट ऊपर जाएगी, इसके ऊपर निकलेगी तो बाय करेंगे, वरना जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है, नंबर याद रख लेना 47,400, इसके ऊपर निकलती है तो ठीक, नहीं निकलती है तो मार्केट इज ऑन व्हाट, सेल ऑन राइज, नीचे की तरफ आनी चाहिए इसके हिसाब से, और नीचे के लेवल ही आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं डिलीट करूं, एक और चीज देख लेते हैं यहां से, ये बचा हुआ है इसके हालात ठीक नहीं लग रहे मेरे भाई। ठीक है, एक और जो चीज मैंने आपको फ्राइडे को बोली थी, एक फॉल आ सकता है, मैं आपको बोल रहा था बार बार कि एक फॉल देखने को मिल सकता है, कहां बोल रहा था, इसकी जो जोन थी गाइस, रिजेक्शन की जो जोन थी वो ये वाली जोन थी, इस पर्टिकुलर जोन से लेकर मैंने आपको नंबर्स बताया था, ये वाली जोन। ठीक है, क्योंकि ये फिफ्थ वेव यहाँ पर तो ये एक्सटेंडेड, यहाँ पर जो फिफ्थ वेव बनी है ये अबनॉर्मल बनी है, एक्सटेंडेशन हुआ यहाँ पर मार्केट ने, ये छोटा सा एक्स्ट्रा ब्रेकआउट दिया, क्या किया, बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ पर और बायर्स को बिठाया गया। मैं तो भाई साफ साफ बोल रहा था कभी भी फॉल आ सकता है, मत करना, एक्सटेंशन में जो बैठ गया जितना ले लिया उतना ठीक है, निकल जाओ। और यहां से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो फॉल दिया है भाई, माशाल्लाह, एक ही कैंडल का फॉल और पुट के प्रीमियम स्काई रॉकेट हो गए थे, यहां से अगर आप पूरा देखोगे तो 234 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर, 234 पॉइंट का फॉल भाई देखने लायक होता है ये वाला फॉल। ठीक है, और मार्केट के अंदर हमारे ही लेवल से जो लेवल था 280 का, यहां से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, हालांकि मार्केट ये जो लेवल ऊपर गया था ना, इस रेड लाइन को टच करके आना चाहिए था, अभी जो है ये लेवल पेंडिंग हो गया, मार्केट को एक बार फिर से 22,498 तक चला जाना चाहिए एज पर फिबोनाची, बिकॉज ये फिबोनाची के लेवल थे, यहां से रिजेक्शन लेता या यहां से रिजेक्शन लेता, अब इसको तोड़ दिया था तो इसको टच करना चाहिए था 22,530 को, लेकिन बिकॉज ये बीच में से वापस आ गया ना, एक बार दोबारा वापस जाना चाहिए, उसी स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखते हुए हमारी कुछ ट्रेड्स बनती है, किसके अंदर बनती है, सेंसेक्स में बनती है, ये देखो
सेंसेक्स में ट्रेड बनती है 74188 तक जाना चाहिए, बैंक एक्स में बनती है 51829 तक जाना चाहिए। मंडे को बैंक एक्स की एक्सपायरी भी है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मिड कैप के अंदर बनती है, मिड कैप 10570 तक जाना चाहिए, ये ऊपर का एक पेंडिंग टारगेट है। और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर बनती है 21441 के अंदर जाती है, जाना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर उतना क्लियर नहीं है, उसकी भी इसके भी टारगेट्स हैं बट उतना क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी इंडेक्स के अंदर जो है, इंडेक्सेस के अंदर जो है उतनी ट्रेड ऊपर की बनती है। मार्केट एक बार ऊपर की तरफ वापस जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए बुलिश हो गए। इंट्राडे के अंदर जहां मार्केट आपको स्विंग बना के देती है, आप उस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो और ऊपर ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। मंडे को क्या कर सकते हैं, एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहानी हो रही है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेगा, इस अगर मैं इस पर्टिकुलर स्विंग से यहां तक मार्क करता हूं, तो यहां से ध्यान से देखना जो हुआ है वो क्या हुआ है, क्या मार्केट ने गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट लिया है, हाँ या ना? आंसर इज नो। अगर मैं इसको इस ग्रीन कैंडल से मनाता हूँ कि यहाँ जहाँ से स्विंग शुरू हुआ था तो सही है, तो यहाँ से मार्केट ने गोल्डन पॉकेट पे सपोर्ट लिया था, ऊपर की तरफ क्लोज भी किया था, 22420 के आसपास का टारगेट भी बनता है, गैप अप के अंदर वो देखा भी देगा आपको 420। पर याद रखना मार्केट ज्यादा ऊपर की कैंडिडेट अभी फिलहाल लग नहीं रही है, मुझे एक छोटा सा करेक्शन चाहिए, ठीक है। और अगर मैं एलियट वेव की करेक्शन थ्योरी को ढंग से पढ़ पाया हूँ और जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट को एक बार नीचे की तरफ करेक्शन देनी चाहिए 21750 के लेवल तक निफ्टी को गिर जाना चाहिए, और ये जो नंबर है करीब करीब 10th अप्रैल तक आना चाहिए, ठीक है। नाउ आई होप आपने जो है डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा गाइस, इसका मतलब ये नहीं आप पुट लेके बैठ जाओ, दिस इज नॉट टोटली नॉट फेयर, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और डू योर ओन एनालिसिस एज वेल। मेरे हिसाब से गिर जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे पैसे पुट में ला के बैठ जाओ। मैं पुट पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे मेंबर्स भी पुट पोजीशन है, छोटी सी क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं, उसकी डबल कंफर्मेशन में एक लेवल के बाद में आ जाएगी, 22,000 का लेवल जैसे ही टूटेगा कंफर्मेशन मिल जाएगा, वो जो 250-300 पॉइंट्स और हैं 750 तक के जो भी हमारे 250 पॉइंट बनते हैं उसके लिए हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो 22,075 का लेवल है जिसके नीचे कंफर्मेशन मिल जाएगी, डबल कंफर्मेशन के वो नंबर्स हमारे डेफिनेटली आने वाले, ठीक है। और भी लेवल है, 750 के बाद में 550 का भी लेवल है, ठीक है, लेकिन उतनी डबल कंफर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है जिसकी वजह से अभी लंबी पुट लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन मुझे लगता है कि 10th अप्रैल तक मार्केट जो है नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। हाँ, 22,000 का लेवल बड़ा क्रूशल रहेगा, इनफैक्ट 22,075 का लेवल जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना, 22,075 का लेवल क्या नंबर है, डू और डाई वाला लेवल है, डू और डाई वाला लेवल है। अगर कमिंग वीक के अंदर 22,075 नहीं टूटता है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको एक नया ATH दिखाएगी, ठीक है। और अगर ये एलियट वेव का करेक्शन ही चल रहा है जो हमने सही पकड़ा है, तो 22,075 डेफिनेटली टूट जाएगा और 21,750 आपको 10 अप्रैल तक आके दिखना चाहिए फॉर श्योर, ताकि मार्केट अपना पेंडिंग करेक्शन लेवल जो है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। इस बात का आपको रखना है ध्यान, सिंपल सी चीज है। मेरे लिए क्या नंबर रहेगा, मेरे लिए ये बहुत क्रूशल रहेगा, मेरे लिए जो पुट पोजीशन एडिशन बाइंग जो भी रहेगा वो 2275 का लेवल है, इसके नीचे मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाने वाला हूँ, और ये आने वाला वीक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, वो आपको क्लियरली बता देगा कि मार्केट क्या करने वाली है। ये लेवल अगर तोड़ देती है तो भाई नीचे, और नहीं तोड़ती है तो एक नई ATH की तरफ इसको जाना चाहिए। इनको ट्रैप करना है लोगों को तो कर सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, फॉल जब आएगा ना, शार्प आएगा, इट विल नॉट वेट फॉर टू मच ऑफ साइडवेज मार्केट। फॉल जो आएगा वो बिल्कुल शार्प आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो उस बात का ध्यान रखना है, इसको करते हैं डिलीट, ओके। और आप अपने लिए क्या कर सकते हो, यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचो, ये वाली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट तोड़ देती है, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट तोड़ती है तो आप सेल साइड की पोजीशन के बारे में कंसिडर कर सकते हो ऑन मंडे। मंडे वैसे मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी टैब के ऊपर ऑलरेडी ज्ञान की प्रेडिक्शन जो है वो डाल दी है, आप वहां से चेक कर सकते हो मंडे हमारा कैसा है और इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का अगर हम देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी में भी क्या ये अगर इसको देखें यहां से, ये हवा में जा रहा है यार, कुछ
कुछ क्लियर नहीं है इसका। 1 2 3 4 5 ठीक है। अब इस पैटर्न के हिसाब से तो इसने एम पैटर्न बनाया है, मोस्ट लाइकली इसको यहां तक आना चाहिए था इसने, क्योंकि निफ्टी ने 60 गोल्डन पॉकेट से बाउंस मार गया है इसलिए भी मार गया। एटलीस्ट इसको इस लेवल तक आना चाहिए था, एम बना रहा है अगर तो ये पूरा इस लेवल से आना चाहिए था, बट वो ये हाथ ही निकल जाता है, पूछ बचती है थोड़ी सी, उसके हिसाब से ये प्ले आउट करता है। चलो करने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेवल देख लेते हैं कौन से लेवल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन। 67% की हमारी रेंज बनती है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो, और टाइम बचाने के लिए बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड करके। 67% 65 69 67 एग्जैक्टली ये हो गया आपका मंडे के लिए लेवल। ठीक है, ऊपर और नीचे के और जो एक्सटेंशन लेवल्स हैं मैं आपको गैप अप गैप डाउन के हिसाब से बना के दे दूंगा, आप ले सकते हो, मंडे के दिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑल्सो इवेंट वाइज इवेंटफुल वीक रहने वाला है। एमपीसी की एक मीटिंग है, उसके अंदर हमारी जो आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग है उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या डिस्कशन होती है और स्पीच क्या आती है इसके बाद में, वो भी बहुत मैटर करने वाली है। बैंक निफ्टी के लेवल ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और इसको आपको प्ले आउट करना है द वे यू डू इट। दिस इज द इंडेक्स रेंज, 67% की जो रेंज है वो रहने वाली है। ठीक है, स्टॉक्स की चर्चा कर लें एक बार, मैं स्टॉक देख लेता हूँ कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में पूछा है एनालिसिस के लिए। From desktop series 8. In the meanwhile, I'm opening the comments and to know. Let me tell you guys, जो 14 तारीख का हमारा वर्कशॉप होने वाला था फिबोनाकी का, ठीक है, जिसके अंदर हम 1 to 5 ऑल दी स्ट्रेटेजीज कवर करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली हैव टू कैंसिल दैट बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशंस, मैं वर्कशॉप नहीं कर पाऊंगा इसलिए जो वर्कशॉप है वो कैंसिल करना पड़ेगा। सो इफ यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द वर्कशॉप एंड यू मेड द पेमेंट, आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो अपनी पेमेंट स्लिप, यू विल गेट 100% रिफंड फॉर व्हाट यू हैव पेड, डोंट वरी अबाउट इट, पैसा कहीं नहीं जाने वाला। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था, जब मैंने रिफंड किया था, लोगों ने बोला सर अपने पास रखो, नेक्स्ट टाइम जब वर्कशॉप होगी विल एडजस्ट इट, बट नॉट टू श्योर गाइस मैं अब कोई वर्कशॉप करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। सो प्लीज वंस यू हियर दिस कि कैंसिल हो चुका है, सेंड अस अ मैसेज ऑन टेलीग्राम एंड प्लीज टेक योर रिफंड फॉर योर वर्कशॉप मनी जो फिबोनाची की वर्कशॉप के लिए आपने पे किया है। ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी एक्सपायरी ओके, दिस इज दी ओके कमेंट्स आ चुके हैं। सबसे पहला कमेंट किसने किया था, जॉन सीना भाई साहब, अंडरटेकर भाई साहब भी करते थे। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच भाई। आपने कहा था कहाँ से सीखा है ना सर, मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, यूट्यूब मेरा टीचर रहा है, किताबें मेरी टीचर रही हैं, और फ्यू इंटरनेशनल, जब मैं दुबई में था मैंने कुछ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप अटेंड किए थे फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु बीन ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट, तो मैंने वहां से सीखा है। एक इंडिया के हमारे बेसिकली यूट्यूबर हैं, काफी पुराने यूट्यूबर हैं, पुराने चावल हैं, मुझे किसी फ्रेंड ने उनके पास भेजा था फॉर टू लर्न दी बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न, तो मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड किया था एंड आई पेड अराउंड 16,780 रुपीज फॉर अ वर्कशॉप ओनली फॉर कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न, विच इज आई थिंक आई ओवर पेड, बट गुरुजी गुरुजी होते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। आई एम ग्लैड कि वहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला, बट आई थिंक इट्स ओवर ओवर प्राइस्ड। सो मैंने मिला जुला के सब कुछ सीखा, बाकी सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट गुरु बिन ज्ञान नहीं गए, सीखना तो पड़ता ही कहीं ना कहीं जाके। सो रत्नेश आई होप यू गट योर आंसर, लव फ्रॉम मंसूरी, थैंक यू मंसूर भाई, एंड रमादान करीम टू एवरीबडी हु इज फास्टिंग। गैन टाइम शो नहीं कर रहा है करंट वीक का कम्युनिटी पे, करंट वीक का लास्ट वीक का यार 3 ही दिन थे तो डाला नहीं था मैंने, लेकिन करंट वीक का जो नेक्स्ट वीक है उसका पूरा कम्युनिटी टैब पे चला गया यूट्यूब पर, आप वहां पर देख सकते हो। स्टॉक एनालिसिस के लिए किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया तो ठीक है गाइस, नहीं किया तो नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम इफ यू नीड एनी एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट अबाउट एनी स्टॉक एनालिसिस तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता कर सकते हैं। I will be more than happy to answer those questions. ठीक है, now it's time for the information that I wanted to share, guys. How
आई एम गोइंग टू चूज. सो गाइस आई इनिशियली डिसाइडेड कि मैंने डिसाइड किया था कि आप में से किसी भी लकी पांच विनर्स को मैं अपना फिबोनाकी पार्ट सिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करने वाला हूँ. जो हमें काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से कनेक्टेड है काफी टाइम से. लेकिन पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, लेकिन मैं पांच लोगों को नहीं देने वाला हूँ. तो लेट्स कीप इट 10. सो आई एम गोइंग टू गिव अवे दिस स्ट्रैटेजी फॉर टू 10 पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप सीख सकें, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें. तो हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे 10 लोगों का, जो इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके अपने फीडबैक उस ग्रुप के अंदर देंगे और स्ट्रैटेजी को और स्ट्रेंथन करेंगे. नाउ इसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, मैं बहुत सोच रहा था. देन आई थॉट ऑफ कीपिंग इट लाइक द लास्ट टाइम, जैसे मैंने फिबोनाकी वर्कशॉप का लकी ड्रॉ किया था, वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं. सो सिमिलरली गाइस, आपको क्या करना है, यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टा, यूट्यूब एंड टेलीग्राम. ठीक है, आप ट्रेडिंग विद तरुण को इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो करो. ठीक है, आई वॉन्ट टू इंश्योर प्लस लाइक लास्ट टाइम आई वॉज रिक्वेस्टेड एवरीबडी टू एड अप्रोक्सीमेटली 50 मेंबर्स इन द टेलीग्राम. सो आपको क्या करना है, सिर्फ 50 मेंबर्स को आपको टेलीग्राम के ऑप्शंस में जाना है, ऐड मेंबर पे क्लिक करना है और अपने लिस्ट में से सिर्फ 50 लोगों को बेसिकली रजिस्टर ऐड करना है ग्रुप के अंदर, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर. आपको एक लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, जिसको यूज करके आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ये सब करने के बाद आपको अपनी डिटेल उस फॉर्म के अंदर भर देनी है कि आपने ये सब कर दिया है, आपने हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया, यूट्यूब पर भी फॉलो किया, टेलीग्राम पर भी फॉलो किया और आपने 50 लोगों को ऐड भी कर दिया है. ठीक है, एंड वंस यू अपलोड योर डिटेल एंड डिटेल्स आर वेरीफाइड बाय द बैकएंड टीम सपोर्ट टीम, आपको आपके टेलीग्राम के ऊपर एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्फर्म हो चुका है और आपका नाम लकी ड्रॉ में जा चुका है विद इन यू नो अ वीक्स टाइम. और एक दिन डिसाइड करके वो डेट मैं अनाउंस कर दूंगा, वी विल बी डूइंग लकी ड्रॉ एंड विल बी टेकिंग आउट नेम ऑफ 10 पीपल. ठीक है, एंड टू अवॉइड कंफ्यूजन लाइक लास्ट टाइम, इस बार आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन कोड भी मिलेगा जो आपके नाम के साथ में अटैच होगा. ठीक है, ताकि लाइक लास्ट टाइम हुआ था कि अमित नाम आया था और किसी को लग रहा वो मेरा नाम है, हालांकि वो जिसका नाम था उसको दे दिया गया था, लेकिन कई लोगों को कंफ्यूजन हो गई. तो इस बार अगर अमित होगा तो अमित के साथ में एक कोड होगा, अमित 01, अमित जो भी आपका कंफर्मेशन कोड होगा वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और राइट लोगों को राइट रिवॉर्ड मिल सके. ठीक है, सो 5 नहीं 10 लोगों को ये स्ट्रैटेजी दी जाने वाली है, 5 से 6 हजार रुपए की स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट. और आपको मैं वादा करता हूँ कि आप ये सीखने के बाद भी एक ही चीज बोलोगे वाओ फॉर श्योर. तो ये प्रोसेस है, इसको फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंजॉय एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज रेगुलरली गाइज, एज सून एज माई हेल्थ इज फाइन. And I'll see you guys in the market as well. तब तक के लिए वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो. I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.